दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कुछ टाइम पहले Realme 6 सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिले थे। और क्या आपको पता है कि Realme 7 सीरीज के अंदर आपको इससे भी काफ़ी बेटर और इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। और इस सीरीज को इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, Realme 7 और Realme 7 Pro। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 7 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा एंड 6000mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Realme 7 Pro स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड स्पेक्स, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देखने को मिल सकता है, या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 प्लस का चिपसेट भी मिल सकता है। दोनों ही चिपसेट बहुत ही पावरफुल चिपसेट हैं और 5G को सपोर्ट करते हैं, और साथ में 7nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। और बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, जो कि कलर OS यानी कि Realme UI पर बेस्ड होगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको LPDDR5X RAM और UFS 3.0 स्टोरेज का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके कैमराज के बारे में, तो इसके अंदर आपको रियर साइड में पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जहां पर प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया जाएगा, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है। और इसी के साथ आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, डेप्थ सेंसिंग सेंसर एंड माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए 44 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और अगर बात की जाए इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले के साथ साथ 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर अगर बात की जाए इसकी बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 6000mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आपको 55W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है मार्केट के अंदर अराउंड 20,000 रुपीज, और ये जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के मंथ में लॉन्च हो सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।